डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 जनसभाएं, अमित शाह और नड्डा की बिहार में जनसभाएं, राहुल गांधी हिमाचल में तो आप प्रमुख केजरीवाल पंजाब में करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर, आज रात चक्रवात के बांग्लादेश और बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका, कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर बाद से उड़ाने निलंबित, एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत, विवेक विहार के बेबी डे केयर में 6 बच्चों की मौत, कृष्णानगर में इमारत में लगी आग में 3 लोगों की मृत्यु। खेल की खबरों में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग झी यी से आज, पेरिस ओलंपिक से पहले सिंधु के लिए यह मुकाबला खासा अहम। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा फाइनल मैच। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज हो चुका है, प्रधानमंत्री भी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। पीएम आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री यूपी के मिर्जापुर, घौसी और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, वहीं घोसी में प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए और बांसगांव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह बिहार की काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करने वाले हैं, वहीं पंजाब के लुधियाना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा आज जहानाबाद, भोजपुर और नालंदा में 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा जहानाबाद जिले से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। जहानाबाद में दोपहर करीब 12:15 बजे जनसभा होनी है और उसके बाद नड्डा भोजपुर जाएंगे। यहाँ आरा के शाहपुर में दोपहर 2 बजे से चुनावी रैली होगी। दिन की तीसरी और अंतिम जनसभा नड्डा नालंदा में करेंगे। यहाँ शाम करीब 4:10 के आसपास चुनावी रैली की जाएगी। लोकसभा के 7वें चरण के प्रचार में विपक्षी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज बिहार के भभुआ और पटना में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिहार के फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और चंडीगढ़ में न्याय संकल्प सभा करेंगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अगर देखें तो विपक्ष का प्रचार जोरों पर है। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बलिया और सलेमपुर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश यादव बलिया में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं बात दिल्ली की तो मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं। अरविंद केजरीवाल आगामी 30 मई तक पंजाब में रहकर चुनावी प्रचार करेंगे। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में एक साथ मतदान होना है। खबर पश्चिम बंगाल से अब, जहां कल 318 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां राज्य में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के दौरान हिंसा और तनाव के संबंध में हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरज आफ्ताब ने ये जानकारी साझा की है। आफ्ताब ने बताया कि दिन भर में चुनाव आयोग को 2100 शिकायतें मिली, सबसे ज्यादा 247 गिरफ्तारियां पूर्वी मिदनापुर जिले में की गई हैं। तो
वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर प्रधानमंत्री की एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। लोकसभा चुनाव में हो रही वोटिंग से जुड़ी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर चरण के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा की संख्या बेहतर होती जा रही है। लोग दो पहलुओं पर अपना जनादेश दे रहे हैं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाना और दूसरा ममता बनर्जी की भ्रष्ट शासन को खारिज करना जो कि कुशासन और हिंसा से भरा है। आगामी 4 जून को पश्चिम बंगाल इस बार 400 पार की उपलब्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होगा। सपा कांग्रेस गठबंधन से गोरखपुर से काजल निषाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बात कर ये कहा कि ये चुनाव काजल निषाद का नहीं बल्कि जनता का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही फ्लाईओवर समेत जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ खास अंश। हम मौजूद हैं गोरखपुर में, बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है गोरखपुर, बड़ी चर्चा होती है। हमारे साथ मौजूद है काजल निषाद जो उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की। काजल, आपसे जानना चाहेंगे हम किन मुद्दों को आप जनता के बीच काजल उठा रहे हैं। पहली बात तो कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। महिलाएं बिचारी इतनी त्रस्त है, क्या करेंगी। पति को रोजगार नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ बच्चों का जो है पेपर लीक कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इतने पेपर भाई साहब यहाँ लीक होते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, राज्य की सरकार में, कि पहले इथी वाला पेपर रहल, पुलिस भर्ती वाला वो लीक हो गए, नीट वाला भाई वो लीक हो गए। बिचारी महिलाएं समूह की महिला बन जाती है, क्या करेगी, लोन उठा लेती है घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिटिया की शादी के लिए। इस तरह से इतना महंगाई में दबी रहती है कि फिर लोन चुका नहीं पाती है। अब चुका नहीं पाई तब तक दूसरा लोन उठाने की बारी आ जाती है। एकदम अपमानित और प्रताड़ित हो रही है। महंगाई सबसे बड़ी डायन है जो खाए जा रही है इनको। लड़का बन तो क्या करें, क्या प्राथमिकता होगी। मेरी प्राथमिकता ये होती, ये होगी क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं लोकल हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है। कोई एम्बुलेंस में अपने परिजन को ले जा रहा है तो बेचारे के बीच में ही निधन हो जाए, वो अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाए। फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा मिल सके, जो बेचारे एम्बुलेंस में ले जाए वो समय से जाके पहुँचाए और इलाज करा सके। तो मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई बीडीसी नहीं हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। सबसे बड़ी समस्या इस शहर की ये है कि जरा सी बरसात होती है और पूरा पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, पूरा शहर। तो जल निकासी के समाधान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद काजल निषाद हैं जो बहुत सारे वादे कर रही हैं और अपने दावे कर रही हैं कि वो जीतेगी तो क्या कुछ करेगी। इस तरह से हमारा भी चुनावी सफर जारी है, अलग अलग जाकर हम उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने बात की गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार काजल निषाद से। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज गोरखपुर। तो देश में लोकतंत्र का त्यौहार का महापर्व चल रहा है और ऐसे में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर पहल की जा रही है। कई संस्थान मतदान बढ़ाने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जब वाराणसी में आखिरी चरण में मतदान होना है, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले काशी के प्रबुद्ध जनों को पत्र लिखकर चुनावी महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की थी। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट भी मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विश्वभूषण मिश्र से डीडी न्यूज संवाददाता ने खास बात की है। काशी विश्वनाथ धाम में हूं मैं और पूरा देश लोकतंत्र के पर्व में लगा हुआ है। मतदान बढ़ाने की कोशिश चल रही है और काशी जो हमेशा से संदेश देता है, बाबा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही कुछ कोशिश है काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से। काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण जी हैं हमारे साथ। विश्वभूषण जी, ये क्या प्रयास है बाबा का आशीर्वाद के रूप में मतदान को लेकर? जो भी राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय दायित्व है और दायित्व के साथ ही जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में माना जाता है कि अपने दायित्व को निभाना भी धर्म का एक हिस्सा है, धर्म का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ लोग धर्म की भावना के साथ आते हैं, उसके साथ में राष्ट्रीय दायित्व का बोध लेकर भी जाए, इसलिए यहाँ ये जो अपील है उसको इस रूप में भी लगाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मंदिर न्यास लगातार कंपेन चला रहा है। यानी जो कर्तव्य है मतदान का, उसको आप लोगों ने
लोगों को उत्साहित करने के लिए ये होर्डिंग्स लगा दी हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम में लोग स्वतः स्फूर्त होकर आते हैं। अभी आज के दिन में यहाँ प्रतिदिन आने वालों की जो आज 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, आप दोपहर में चीज आते हुए धूप में तब भी यहाँ पावर रखने की जगह नहीं होती। हमारे पास 2.5 से 3 लाख लोग रोज आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में। इसी के लिए हम लोगों ने जर्मन हैंगर, मिस्ट फैन और पानी पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन यही सारी सुविधाएं देने के साथ ही मतदान भी लोग करें, जो वहाँ महादेव के धाम के अलावा जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य उसका भी प्रयोग करें। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में चेतना का विस्तार करना, ये भी महादेव की कृपा से करने का विचार श्री काशीराम मंदिर न्यास के जो हमारे लोग हैं, न्यासी हैं और हमारे मार्गदर्शक मंडलायुक्त महोदय हैं, इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ और इसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से बंपर हो मतदान, ऐसा ही सोच है, ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। और आसपास के जो बूथ हैं उनको भी जो है कोशिश ऐसी है कि महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और मतदान भारी संख्या में हो। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अब से कुछ घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान रेमल में बदल जाएगा। यह आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा और इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF समेत तमाम एजेंसियों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। तो चक्रवात रेमल अगले कुछ घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अब इसका असर जमीन पर दिखने लगा। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि और दीघा इलाके में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू हो गई। रेमल की आज मध्य रात्रि के करीब बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने के आसार हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, कल से आज ये ज्यादा है अलर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हुई है। घायल हुए 6 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि कल रात 11:30 बजे हमें कॉल मिली कि बेबी केयर सेंटर में आग लगी है। हमने शुरू में ही 7 फायर टेंडर भेजे थे। 12 बच्चों को हमने निकाला। बाद में पता लगा कि 6 बच्चों की मृत्यु हुई है। बताया गया कि वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से आग बढ़ गई। बगल के घर में भी चली गई थी। वहां करीब 6 ब्लास्ट हुए, जिसमें हमारे फायर फाइटर को भी खतरा था। हमने 2 टीम्स बनाई थी, जिसमें एक ने बच्चों को निकाला और दूसरी टीम ने फायर फाइटिंग की है। ये करीब हमको 2:32 पे के आसपास एक फायर कॉल मिली थी। हम लोगों ने जो है इसमें 4 फायर टेंडर रश किए थे। ये टिपिकल फायर थी कि जो स्टील पार्किंग थी वहाँ बिजली की मीटर से शायद आग स्टार्ट हुई। वहाँ पे 11 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में आग लगी। एक ही जीना था और घर में धुआं मर गया। दिल्ली में आग लगने की एक और घटना सामने आई। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में एक इमारत में आग लगी। घटना में अब तक 3 लोगों के मरने की सूचना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग से 10 लोगों को रेस्क्यू किया। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। सूचना के मुताबिक ये आग 4 मंजिला बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी बाइकों में लगी। इसके बाद आग ऊपर फैलना शुरू हो गई। ये करीब हमको 2:32 पे के आसपास एक फायर कॉल मिली थी। हम लोगों ने जो है इसमें 4 फायर टेंडर रश किए थे। ये टिपिकल फायर थी कि जो स्टील पार्किंग थी वहाँ बिजली की मीटर से शायद आग स्टार्ट हुई। वहाँ पे 11 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में आग लगी। एक ही जीना था और घर में धुआं मर गया। शनिवार की शाम गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में लगी भीषण आग की वजह से नतीजों की अगर बात की जाए तो मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 27 हो गई है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया।
तीन घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृहमंत्री हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। वहीं से पहले राज्य के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि घटना की जाँच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां के शाहजहांपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। खुटार थाना क्षेत्र के पूर्णागिरी दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की ढाबे पर खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, यहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जाँच की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के साथ शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार करने के भी निर्देश दिए हैं। गोला को जो रोड जा रहा है वहां पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे का खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे, तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। जो अभी तक टोटल कैजुअल्टी जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भेजा गया है। बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहाँ के नासिक में आयकर विभाग ने सराफा व्यापारियों की दुकानों और डेवलपर्स के कार्यालयों पर छापेमारी की। लगातार 30 घंटे चली छापेमारी में टीम ने 26 करोड़ रुपए की नकदी और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। मिली जानकारी के मुताबिक नासिक, नागपुर, जलगांव की टीम ने यह कार्रवाई की। 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स के परिसर के साथ साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर भी छापा मारा। उनके आलिशाल बंगले पर भी एक स्वतंत्र टीम ने निरीक्षण किया। नासिक के सराफा कारोबारी के पास से करोड़ों की नकदी बेहिसाब संपत्ति मिलने से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग किसी भी विसंगति या छिपे हुए लेन देन को उजागर करने के लिए सुराना ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर्स दोनों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। मानव दूध यानी माँ के दूध और उससे बने उत्पादों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सरकार ने सख्त फैसला लिया। मानव दूध की अनअधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय की इकाई खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की। FSSAI ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण के संबंध में कई रजिस्टर्ड समितियों के पत्र मिले। देश की अहम कानूनी संस्था ने स्पष्ट कर दिया है कि FSS अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत मानव दूध बेचना गलत है। प्राधिकरण के मुताबिक इस कानून के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण और बिक्री की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए मानव दूध और उसके उत्पादों के कमर्शियल इस्तेमाल को तुरंत रोका जाए। साथ ही FSSAI ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी उल्लंघन के मामले से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि FBO के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। प्राधिकरण ने राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि माँ के दूध के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल FBO का ना तो पंजीकरण किया जाए ना ही कोई लाइसेंस मिले। हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर, वादियों के दीदार करने के ख्वाहिशमंद देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा उसे बहाल कर दिया गया है। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर से निकले तो पर्यटक झूम उठे। रोहतांग दर्रा जो है उसमें अभी भी 15 फुट से अधिक की बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। खबर तमिलनाडु से, जहां के कांचीपुरम में श्री वरदराज पेरुमल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सवम के अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई। रथ खींचने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के थमने के बजाय और विकराल रूप वो लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हमास ने इसराइली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया। हमास के कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने
उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के पास कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया और कई जवानों को मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं इजरायली सेना ने इस बात का खंडन किया। दूसरी तरफ इजरायल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को न मानने के ऐलान के बाद हमास के एक वरिष्ठ नेता उसामा हमदान ने इजरायल के साथ किसी भी तरह की वार्ता से इनकार कर दिया। आंकड़ों के अनुसार इजरायल हमास युद्ध में अभी तक करीबन 35,903 लोगों की मौत हुई और 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इटली के स्ट्रेसा में G7 देशों के वित्त मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसमें G7 देशों के वित्तीय अधिकारियों ने कहा कि अपने देश में जब्त रूसी संपत्तियों से यूक्रेन के लिए अधिक धन वसूलने के अमेरिका के प्रस्ताव पर समझौते की दिशा में काम किया जा रहा है, जिस पर अंतिम फैसला जून में राष्ट्रीय नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले किया जाएगा। संपत्ति के उपयोग पर अंतिम निर्णय अगले महीने दक्षिणी इटली में फसानो में शिखर सम्मेलन में होने वाली वार्षिक बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित G7 के राष्ट्रीय नेताओं पर निर्भर करेगा। यूक्रेन के पूर्वी खार्किव शहर में एक हार्डवेयर मार्केट पर रूस के हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 33 अन्य घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा की। जेलेंस्की ने कहा कि सुपरमार्केट के अंदर 200 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। रूस ने 30,000 सैनिकों के साथ 10 मई को खार्किव पर जमीनी हमला शुरू किया था। ब्रिटेन के आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विपक्षी लेबर पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके पास कोई योजना नहीं है और वो देश को अनिश्चितता में धकेल देंगे। ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम सभी जानते हैं कि लेबर के पास कोई योजना नहीं। दरअसल सुनक ने डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक आश्चर्यजनक घोषणा में 4 जुलाई को आम चुनाव की घोषणा की है। ताइवान के आसपास चीनी सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर अमेरिका चिंतित है। अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने चीन से संयम से काम लेने का आग्रह किया। एक बयान में मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका ताइवान के आसपास पीपल्स लिबरेशन आर्मी के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चिंतित है। हम PRC गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 मई को लाई चिंग ते के ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद चीन ने अभ्यास शुरू किया। वानुअतु द्वीप समूह में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। आज सुबह वानुअतु द्वीप समूह में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भू मध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप 25 किलोमीटर की गहराई का था। भारतीय समय के अनुसार भूकंप आज सुबह 6:58 पर आया। इस भूकंप से लोगों में खलबली मची और वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की वजह से कुछ घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गर्मी की लहर के बीच मेक्सिको के शहर पुआबला में ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। कुछ क्षेत्रों में कई मीटर तक ओले जमा हो गए। ओलावृष्टि के बाद घरों की व्यापक क्षति तो हुई है, साथ ही साथ सड़कें भी अवरुद्ध हुई, पेड़ भी गिरे। पूर्वी इंग्लैंड में एक स्पिट फायर विमान के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ब्रिटिश वायुसेना के एक पायलट की मौत हुई। लिंकनशायर पुलिस ने एक बयान में कहा कि पायलट विमान का एकमात्र यात्री था, उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि किसी भी अन्य के घायल होने की कोई आशंका नहीं। मामले की जांच जारी है। और बात IPL 2024 की, जिसका खिताबी मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज खेला जाना है। मौजूदा सीजन में कैसा रहा इन दोनों टीमों का सफर और कौन से खिताब के लिए मजबूत दावेदार हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो बात अब करते हैं मलेशिया मास्टर्स के फाइनल की, जहां पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग जी यांग से है। पेरिस ओलंपिक में पहले पीवी सिंधु के लिए मुकाबला काफ़ी अहम है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।